अभी जैसे मैं मॉर्निंग में आया, सबसे पहले मेरी नजर इसके ऊपर गई। इसकी ये देखो भाई, तोड़ा सा लगा है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा तोड़ा है। हीट पे तो नहीं है, प्रेगनेंसी वाला लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये रुक गई है, बाकी तो थोड़ा बहुत दिन बाद ही पता चलेगा। और अभी भाई पूरे घेर में गंदगी पड़ी है, पहले इसकी साफ सफाई करनी है, उसके बाद इन सभी को सानी करनी है। हरियाई तो कल्ली वाली पड़ी है, तो कुट्टी करने की जरूरत नहीं है। और भाई आज मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को मैं अपनी लोकल बोली, जो मेरे गांव की भाषा है ना, उसमें रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ। जितनी देर तक हम गांव में रहते हैं तब तक मेरी लोकल भाषा निकलता है, लेकिन जैसे ही हम कैमरा को फेस करते हैं मेरी गांव की भाषा चली जाता है, खड़ी बोली निकलने लगता है। जल्दी से जाके साफ सफाई कर देता है, वरना सानी वानी कर देता है। फिर मिलता है बाकी बात आपसे। फाइनली जहाँ को सबरों काम खत्म हुई है, झाड़ू बाड़ू बढ़िया तरीके से मार दी है। पता ना भाई श्यामा का आदत है, देखो जा कितना ज्यादा भूस फैलाता है खाद पे। चलो हटो अंदर, जब मुझे आसानी करो ना, जा ऐसी बुस फैलाता है। सुल्तान आ जा, सुल्तान नीचे चलो, चलो नीचे जाओ, जाओ नीचे, चलो चलो चलो, तेज तेज हाथ आओ जी, बंद कर दे, जाओ अपने कमरा में बैठो, बैठो बैठो बैठिया। तो अबे सुल्तान को थोड़ी देर के लिए नीचे करोगे। हमारी उताऊ जी की छत मिली हुई है ना, उनका छत के ऊपर काम है। सुल्तान मेरे घर के अलावा काऊ को ना पहचानता है, पर कोई और आया है पीछे, वापस टैग कर दिए सीधे। तब जैसे उन्होंने बोली थी कि थोड़ा सा काम है छत पे, सुल्तान को नीचे बंद कर दो, अब थोड़ी देर के लिए नीचे ही रहने देते हैं। जैसे उनको काम खत्म हुई है फिर छत खोल दिए, फिर जो आराम से ऊपर बैठे हो जाएंगे। किसने एक गैया तो ब्याई है, दूसरी गैया आज जा हीट पे है। किसन ले जा रही थी जाए मीटिंग कराने के लिए, हम संग आए हैं क्योंकि ऐसा है ना, फिर जे चलती ना आए तो फिर एक आदमी की और जरूरत पड़ता संग। और वैसे तो जाए कल जाके एआई कराई दी थी डॉक्टर को बुलाए के, हम के टाइम जब किसन की दूसरी वाली गैया दुई जा रही थी ना भाई, टाइम पे जाना क्या करूँ, तू पूरा सीवन पीछे से फेंक दू तू। तो चाचा ने बोली की जाके नेचुरल मीटिंग कराए दो जाएगा, जाके नेचुरल मीटिंग हुई है तो कन्फर्म हुई है, रुकी है थोड़ी देर के लिए, जाए जहाँ पे बांधो है ताकि जब सत्ता ले, फिर बाकी बात जाए लेके चल रहे हैं सीधे भाई। और जो जब ना रुकन वाली समस्या है ना, जब सभी की गंजन में आ रही है, जो कोई मिल रहा हो रस्ता में बुझे कह रहे हो कि बाकी ना रुक रही, दवाई चल रही, दवाई चल रही। और आज हम अपनी लोकल भाषा में बिल्कुल वीडियो बना रहे हैं ना, हमें बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, समझ में आ रही कि हमें बोलने का है। जब अपनी खड़ी भाषा में बनाते ना वीडियो तब दिक्कत ना होता है, जब हम गाँव में नॉर्मल रहते हैं तब हम जय वाली भाषा बोलते हैं, जो वाली भाषा में आज वीडियो बना रहे हैं। और कमेंट में बताइए कि कैसी लग रही है आपको। और वैसे तो हमने किसान से जा कही है कि अगर बांधनी जगह ना मिले तो जाए ऐसी छोड़ दियो। किसान कह रहे जो कुम भजे ना पकड़ लिए, आज दिन हमने अपनी बच्चिया तो छोड़ी थी जहाँ पे और पकड़ ली थी बाद में आराम से। अगर कोई बांधनी व्यवस्था ना बनी तो थोड़ी देर के लिए इन्हीं वाली गायन में ना छोड़ दिए, प्रेग्नेंट है और हेल्दी हुए। बाद ना देखी थी पता ना कहाँ गई थी, में जो काली वाली बता रही थी ना, हमने वीडियो एडिट करते देखी थी, बहु वाली है, छोटे छोटे सिंगन वाली। हाँ बा काली वाली साइड है, छोटे छोटे सिंगन वाली सामने खड़ी है, सफेद की उत्तर साइड में खड़ी है। अरे यार कालो बालो साढ़ ना आए, जो साढ़ एक्टिव तो ले, जाके चोट लगी थी वो जू है, अब तो चोट जाके ठीक हुई है। जाम आज कालो बालो साढ़ ना आए, कालो बालो साढ़ अपने गांव में ही हो सकता कहूँ पे, जू साढ़ देखो हो सकता कच करे। चलो ऐसा करो जा छोड़ दो एक देर के लिए, क्योंकि जे हम लोगों को देख के भाग रही है। और जब कालो बालो साढ़ आज मैं कहूँ पे ना दिख रहा हूँ, हो सकता हमारे गाँव में ही हुई, जब हम लोग आए थे तब देख के ना आए थे, अगर हम लोग एक बार चेक कर लेते वहाँ पे हो तो बहुत आराम हो जाता। जा छोड़ तो दो, लेकिन जब आगे ना जा रही वही पकड़ी है, बेहतर देख रहे जे तर देख रहे, तो एक्टिव साढ़ थे मतलब जो हमारे लोगों के पास उगाई जाते वो तो कालो बालू साढ़ बुआ तो बु आज है ना, जाके अंदर जा में जितने उसाण है ना वे इतनी ज्यादा एक्टिव ना है, मतलब आदमी को देख के बहुत ज्यादा भाजत है, जब जा उनके पास जाए तभी वे कर रिएक्ट करे हैं। और किसन की गैया देखो कितनी समझदार है, जितने किसन जा रहे हैं उतनी किसन की गैया जा रही है, वाह किसन की गैया किसन के पीछे ही पीछे आ रही है, हमने कही थोड़े से दूर चले जाओ। हाँ किसन जूरो साढ़ जूरो सफेद बालो जू बढ़िया है, जू सही है, आराम से कर दी है, जू थोड़ी सी ह्यूमन फ्रेंडली है, और बाकी कालो वालो ह्यूमन फ्रेंडली तो बाकी इनमें से कोई ह्यूमन फ्रेंडली ना है, तो सही है जय वालो कर दी है। सब गैया चली गई भाजी, किसन की गैया इतनी खड़ी है और जू एक साढ़ इतनी खड़ू है, जाओ भाजी है वो नहीं किसन, थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि जग गैया के पास चली जाए किसन वाली की, रेखा साण एक बार बार सूंग लिया ना फिर इतनी दिक्कत ना हो, क्योंकि वो साण फिर गैया की संग रहे हैं। तो अबे जे सब जाए तो रही है गैया के पास किसन की, देखो कोशिश कर रही जाए उतनी कर रही, और गैया देखो किसन की किसन के संग ही जा रही है। यार तुम्हारी गैया कहाँ जा रही, वापस जा रही, आरो आरो पीछे से। अब किसन की गैया भाजी थी, मैं तो जाओ किसन ने भाज कर पकड़ ली, जाए किसन तुम्हें कहूँ बांध नहीं पड़े क्योंकि जब भाज रही है तभी जो एक्टिव हुए हैं। चलो एक बार देखा था वहाँ पर सामने कोई काले रंग को सांड खड़ो है, और किसन कह रहे भाई है लेकिन हमें वो ना लग रहा है क्योंकि जाके सिंह बहुत ज्यादा बड़े हैं, अब वाले काले सांड के काले सिंह थोड़े से मुट्ठा जैसे हैं और थोड़े छोटे हैं। एक बार हम जा सोच रहे कि उन वाले सांडन को जाई तरफ कर दे रहे, चाहे कि वे मारे ना, एक तो ऐसी रहे दोनों मेरी तरफ जा लग रही कि बहुत ज्यादा मरखने हैं, और इन सांडन का जो मरखने होता ना बहुत तेज आता ऊपर, मौका ना देता भाजन को। लेकिन धीरे से एक बार कोशिश कर रहे कि इन्हें गैया के पास तक कर दे, अगर इनके ज्यादा पास जाए तो जो घूम के अटैक कर सकते हैं, और बाकी सिंह बहुत बड़े बड़े हैं दूसरे वाले के। जब आज ये दोनों उल्टे वो पहुंच गए दोनों, वो कितना बड़ा साइज है उसका, और एक भाई ये जा रहा है ये भी देखो कितना बड़ा है, ये वाला बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसके सींग बहुत पहने हैं, और देखो ये किस तरीके से कर रहा है, वैसी एक्टिविटी कर रहा है जब ये लड़ाई करते हैं ना उससे पहले करते हैं, कितना खतरनाक लग रहा है भाई देखो देखो। अबे भाई ये तो ऐसे कर रहा है जैसे लड़ाई करेगा भाई, हो सकता है भाई उस वाले झुंड के अंदर ये किसी को चेता रहा हो, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा दूर रहूंगा कहीं ये सीधा हमला ना बोल दे मुझ पे। ऐसा हो सकता है भाई कि इससे किसी ने हरा दिया हो लड़ाई में,
और तभी ये आया हुआ यहाँ पे, और अभी तो बहुत तेज भागता हुआ जा रहा है, फाइट वाइट ना हो इनकी। और अब भाई उसने एंट्री कर ली है झुंड के अंदर, एक बार देखते हैं भाई क्या सीन है इसका, ये अलग क्यों होता है इतना, भाई सूंघ रहा है उसको। बहुत देर से वाली सांड कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ कर ना पा रहे हैं, पता ना उठत ना है का ना है, का दिक्कत है। और हमें जा लग रही है कि जे वाली गाय धीरे धीरे करके उतर ही ले आने पर है, और किशन बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, तो एक बार हमें कोशिश करते हैं उतर करने की, क्योंकि इनमें से बहुत से सांड ऐसे हैं जो बढ़िया हैं, बहुत जल्दी उठते हैं और बढ़िया तरीका से उठते हैं। तो अब रुको, हम इन्हें धीरे धीरे करके वहां साइड कर रहे हैं गंजन के पास। एक तो इन्हें ठिकाने पर ले आना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और बहुत धीरे धीरे करके इन्हें ले आओ जा सकते, क्योंकि अगर हम भजे हैं तो जे हमसे तो बहुत तेज भजे हैं। और जू सांड का ज्यादा ही खतरनाक लग रहा हूँ, क्योंकि जो बेर बेर घूम के देख रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहे कि धीरे धीरे करके जाए पहुंच गए लेके, और धीरे से करके ना उन भाई के पास का धरे, तो जाके अंदर जो सांड उठत है ना वे फिर अपने आप जाए गाय के पास। अब जे जाए तो रही है भाई साइड, अब जो सब वहीं पे जाए किशन की गाय के पास। चलो अब इन्हें जान दे रहे हैं, ज्यादा पास ना जाता, पता चला काऊ खेत में घुसिया है। अब निकल तो गई आगे, जहाँ पर सबसे ज्यादा मुश्किल काम जहे है, अगर कालो वालो सांड होते तो बूतो आराम से कर देते, लेकिन इन वाले सांडों के संग जहे समस्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कालो वालो सांड होता तो तुरंत आओ, तुरंत वो कर देते, तुरंत चले जाओ घर। वैसे अब हमने देखिए कि एक तो लग चुको है, जान दो किसान, अब जान दो, कोई मतलब ना आए, जहाँ से होने हैं वे तो पहुंची गए हैं। और देखो जब पूरी हेड चलते ना, देखो कैसो लगता है, कितनी ज्यादा धूल उड़ रही है, ये तो ऐसा लग रही है जैसे ना काऊ को चेता रहे हुए लड़ाई के लिए, मेरी तरफ ही देख रहा हूँ। एक कालो वालो एक जू, एक तो जय खुलिए, बिल्कुल खुलिए ही है, और सांड भाई पीछे ही जा रहे, जल्दी आ, भाज के जाओ। अरे भैया गई ही खुली किशन की, पकड़ 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 किशन, आइए 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 किशन आइए, रस्सी कौन लाओ, रस्सी ला जल्दी, रस्सी लेके आओ, जल्दी जाओ, भज के जाओ, रोके ना रस्सी ला रहे भाई, किसने गई मोड़ी तो और सीधी भाजी, पकड़े रही हो भाई, पकड़े ना आओ जल्दी, कछना करे बस तुम अपनी गैया पकड़े रहो, रुक गया ना, हड़ो पीछे, क्या जू चढ़ रहा हो ना, तो गैया भाज रही हो, गैया पतली सी रस्सी पड़ी है गद्दन में, पहला आ ना रहू तो अब मान ना रहू है, जल्दी लाओ, पहले जाके बांधो मोड़ी, टूटी का देखो, जल्दी सेट करो, जल्दी जल्दी सेट करो, निकल कैसे गई, टूटी है, जा सही से सेट करो, एक बार बांधो गद्दन, बांधो सही है, कर रही है, मजबूत है। तो दो बार जाके लग चुको मैं, लग रहा हूँ एक बार पहले और एक बार जू लग गया हुआ, ज्यादा करानो ना सही है, दो दा हुई तो सही हुई, चलो जाओ जाओ भाजो भाजो भाजो, बढ़िया तरीका से दो बार हो चुकी है, एक ही सांड से भैया, ज्यादा सांड से हो तो इन्फेक्शन हो सकता है, हमने किशन से कही कि दो दा हुई बहुत हुई है बस, तो अब किशन आ रहे हैं बस थोड़ी देर में, फिर जा लेके चल रहे हैं सीधे घर है। और मेरी वाली बच्ची में तो प्रॉब्लम थी, तासन रुक रही थी, जा इनकी रुकी है, कन्फर्म है, 7 महीना की लग रही थी, सब की 7 महीना की है, 7 महीना की है, और 7 महीना की खाली निकली, ऐसी मेरी निकली थी बिल्कुल। चलो फिर अब जा लेके चल रहे घर थोड़ी देर में, और फिर मिलता आपसे घर ही चल के। आज हम गोबर डालना भूलिए, आज हम किशन के साथ चले गए थे ना उनकी गैया कराने के लिए, वैसे 11-12 बजे तक डाल देते, बट आज बहुत ज्यादा लेट हुई है, वैसे आए तो हम सानी करने के लिए थे, 4:30 बज रहे हैं शाम के, जहाँ पे देखो कि गोबर पर हुआ है, तो सबसे पहले आप गोबर डले, तुम लोग क्यों फड़फड़ा रहे हो, तो इनकी ना समझ में आते, तो इतना ज्यादा फड़फड़ाते हैं, अब थोड़ी देर रुकिए फिर डले दाने। चलो फाइनली गोबर तो खत्म हो, जहाँ मैं ले मुर्गी अकेले गेहूँ, लेकिन एक मिनट ऊपर वाले गेट तो बंद ही है, यहाँ खोल लो बहुत ज्यादा जरूरी, तो क्योंकि जब सुल्तान को मन हो तब ऊपर जा सकता है, जा घूम आओ, मुर्गी को दाना डाल दे रहे, जब तक बरसीम की जब कुटी करे है ना, तब तक ये अपनों चुंगलियां आराम से, जब तक सानी करे है, तब तक ना टाइम मिलिए, ये घूम लिए फिर लिए, बाकी बाद इन्हें जाइए बंद कर दिए, आओ। और देखो जहां पर जाना लड़ाई करना शुरू कर दी, हट बदतमीज, तुम्हें ऊपर ही डालने पर है, ले ओ, ले ओ। चलो किशन जोर से चला, दूध ना पियो तो का सब डेरी बता दे, तो थोड़ा बहुत बचा लो करो पीने के लिए यार, फिर दम कैसे भरे है, क्या फायदा नेचुरल और प्योर उनको, अब इनकी कुटी कर लेते हैं एक बार, और फिर जल्दी जल्दी इन्हें सानी कर देते हैं, क्योंकि बैसू बहुत ज्यादा लेट हुई है, और फिर बाकी बात मिलता है आपसे, चलो चलो जल्दी चला रहा, बस लास्ट रही हो, चला रहा सोचो जो बॉर्डर पर जवान होते हैं, बिछो घंटा बंदूक टांगे रहा, सोचो ना सोचो, इमेजिन करो, बस लास्ट है, खत्म है, अब कछ ना आए, बस खत्म हुई हो उन्हें इमेजिन करो, अपने देश के जवानों को इमेजिन करो, इन्हें लोगों ने बहुत देर हुई फैला बहुत नुकसान कर रही है, साइड में इतनी देर से देख रहे सब बरसीम फैला दी इन्हें, चलो अंदर चलो, बस चुंगली तुमने, चलो अंदर चलो, जाओ। और अब जितने लोग अपनों आराम से खा रही है, वहां पर जमुना और कम्बो खा रही है, श्यामा अपनों खा रही है, अब एक बार अंडा और चेक कर लेते हैं दरवा के अंदर, क्योंकि जहीं से हमें दिख रहे हैं 3 अंडा वहां साइड रखे हैं, रात बहुत ज्यादा काम हुई हो तो, और शामू बहुत ज्यादा हुई, रात होने वाली है, ओ 1 2
तीन चार पांच, आज तो यार इन्हें पांच अंडा दें। पांच अंडा वैसे मैं बहुत कम मिलता है, एक अंडा फूटी हो जाए मैं से। अब धीरे से हम निकाल लेते हैं ना बाहर, वरना एक आध और फूटी है। आज की जय थी वीडियो, और आज हमने अपनी लोकल बोली में वीडियो बनाई है। आप लोग बताइए एक बार कमेंट में कैसी लगी आपको वीडियो, फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में। जब तक हम वहां पर आप लोगों से बात करते रहे ना, तब तक इन्हें एक अंडा फोरो और खायू लो।